दोस्तों, आपने अभी तक ना जाने कितनी सारी प्राचीन जगहों को देखा होगा, पर आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी प्राचीन और ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखना तो छोड़ो, आपने उनके बारे में सुना तक नहीं होगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में ब्लड कासल से लेकर सैन फ्रांसिस्को के नीचे दफन एक शिप का ग्रेवयार्ड और टिग्रिस नदी के नीचे डूबे हुए एक शहर से लेकर सिटी ऑफ हारन जैसी जगह शामिल है जिनका जिक्र बाइबल जैसी महान किताब में भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, ब्लड कासल। दोस्तों, ब्लड कासल स्लोवेनिया की सबसे सुंदर और हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है जिसका इतिहास आज से 1004 साल पुराना है, वो भी तब का जब एक जर्मन किंग हेनरी टू ने इस जगह को ब्रिक्सन के बिशप को दिया था। आपको बता दें कि जब किंग हेनरी टू ने इस जगह को बिशप को दिया था तब वहां केवल एक टावर की तरह दिखने वाली बिल्डिंग या कहे स्ट्रक्चर ही था, पर साल 1011 में उन्होंने इस कासल को अपग्रेड कराना शुरू किया और 800 सालों तक अपना रेजिडेंस बनाकर रखा। इस कासल का सबसे ज्यादा विकास मिडल एजेस के दौरान हुआ और उसके फोर्टिफिकेशन के दौरान उस कासल में कई और टावर्स जोड़े गए, एक एंट्रेंस गेट बनाया गया और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, जिस दौरान इसके ऊपर वाले कोर्टयार्ड में एक चैपल भी ऐड किया गया था। इसी तरह इस किले का इम्प्रूवमेंट 18 सेंचुरी तक लगातार चलता गया, जिस कारण से ये आज स्लोवेनिया का सबसे इम्प्रेसिव कासल है। नंबर 9, द सिटी इन द टिग्रिस रिवर। ये खोज साल 2022 की है जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक रहस्यमय सिटी के बारे में खुलासा किया था। दरअसल उन्होंने इस सिटी को टिग्रिस रिवर के बॉटम यानी कि तल से खोजा था और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि ये सिटी आज से करीब 3400 साल पुरानी है, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस सिटी से प्राचीन मिट्टनी एम्पायर के सबूत भी खोजे थे। इस बात का खुलासा हाल ही में इराक में बड़े भयानक सूखे के कारण हुआ है, जिस कारण से ये नदी भी सूख गई थी और इसके नीचे बनी पूरी की पूरी सिटी सबके सामने आ गई। इस सिटी में बहुत विशाल बिल्डिंग्स, एक भव्य रॉयल पैलेस और वाइंडिंग स्ट्रीट्स भी मौजूद हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जकीकू की गुम हुई सिटी है। ये मिशन जर्मन आर्कियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और कर्डिस्टन आर्कियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, पर उस सूखे के बाद बारिश हो गई और वो सिटी दोबारा पानी में डूब गई। नंबर 8, थियोडोशियन वॉल्स। इन थियोडोशियन वॉल्स को फोर्टिफिकेशन की सीरीज की तरह कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर बनाया गया था क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल सिटी थी। इन दीवारों को सबसे पहले थियोडोसियस II के समय बनाया गया था और उसके बाद 408 एडी से 450 एडी के बीच इसे पूरा किया गया था, जो आज भी मौजूद है। ये दीवार कितनी ज्यादा मजबूत है इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एंशियंट वर्ल्ड की सबसे ताकतवर दीवार है, जो कि मिडिवल एजेस में भयानक अर्थक्वेक और दुश्मनों के हमले के बाद आज भी खड़ी है। इस दीवार का एक मुख्य द्वार है जो करीब 30 फीट तक ऊंचा है, जिसके पास दो ऊंचे ऊंचे टावर भी हैं, जो आज के समय सबसे ताकतवर एंशियंट साइट बनी हुई है। नंबर 7, द सीक्रेट माया सिटी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों पहले गायब हुई वॉल्केनो के अंदर बनाई गई एक माया सिटी को खोजा है, जो किसी साइंस फिक्शनल मूवी से कम नहीं है क्योंकि इसे 400 BC में बनाया गया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है, तो आपको जान लेना चाहिए कि वो वॉल्केनो ना जाने पिछले कितने हजार सालों से एक्टिवेट नहीं है। हालांकि एक बात और आपको बता दें कि इस सिटी को जब बनाया गया था तब ये सिटी सी लेवल से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी और फिर अचानक से पृथ्वी पर एक रहस्यमय इवेंट हुआ और उस वॉल्केनो के साथ साथ पूरी सिटी भी पानी के अंदर गायब हो गई, जो आज 65 फीट की गहराई में मौजूद है। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार ऐसा कोई इवेंट पृथ्वी पर जरूर हुआ है जो चौंका देने वाला है और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 6, द हैंगिंग कॉफिन्स। दोस्तों, ये मिस्टीरियस साइट चाइना के गुजीहो प्रोविंस में मौजूद है। आपको बता दें कि द ग्रेट वाइंडिंग रिवर के किनारे से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर एक लाइमस्टोन क्लिफ है जहां एक केव का एंट्रेंस मौजूद है और उस केव में ना जाने कितने ह्यूमन स्केलेटन्स मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहां सबसे ज्यादा हैरानी भरी बात है वो ये है कि वहां पर ना केवल केव के अंदर बल्कि केव के बाहर भी कई सारे प्राचीन कॉफिन्स लटके हुए हैं। उन कॉफिन्स के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से पॉटरी, क्लोथ्स, कास्केट और भी कई अन्य चीजें मिली थी, पर इस तरह कॉफिन को हैंग कर रखना काफी ज्यादा अजीब बात है,
जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर वहां रहने वाले लोग ऐसा क्यों करते थे। ये कॉफिन्स 300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जो चाइना की लगभग 5 प्रोविंसेस में मौजूद हैं। इसके साथ ही ये आज से लगभग 3000 साल पुराने हैं और ये वाकई बहुत गजब है। नंबर 5, द एंशियंट सिटी ऑफ हारन। दोस्तों, हारन नाम की इस सिटी का और अब्राहम की फैमिली का जिक्र तो खुद बाइबल में लिखा हुआ है, पर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये सिटी आज भी मौजूद है, लेकिन आज एक खंडहर में बदल गई है, जो आज साउथ ईस्टर्न टर्की में स्थित है। इस सिटी में एक खंडहर हो चुका चर्च है, एक टूटी हुई उमायद द ग्रेट की मस्जिद है और इसके साथ ही पूरी तरह ध्वस्त वॉल्स भी हैं, जो एक समय पर हारन की रक्षा के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें कि इस सिटी की शुरुआत कैरावान्स यानी कि एक काफिले के द्वारा की गई थी, पर धीरे धीरे वो काफिला एक सिटी में बदल गया और उसने खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस सिटी पर एसिरियंस, बेबिलोनियंस, रोमन्स और तो और मंगोल्स जैसे एम्पायर भी राज कर चुके हैं, और इसका सबसे पुराना स्ट्रक्चर टेम्पल ऑफ सिन है, जो मेसोपोटामियन मून गॉड को डेडिकेटेड है। नंबर 4, सीक्रेट अंडरग्राउंड चेम्बर्स। ये खोज सबसे पहले कुछ बकरी चराने वाले लोगों के द्वारा टर्की में की गई थी। उसके बाद रिसर्चर्स ने साल 2014 में जब इस जगह को देखा तो पाया कि यहाँ तो पूरी एक एंशियंट सिटी है जो पूरी तरह अंडरग्राउंड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब रिसर्चर्स ने पहली बार इस अंडरग्राउंड सिटी को देखा था तो उन्हें स्वयं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक बहुत विशाल अंडरग्राउंड सिटी थी जिसमें 52 चैम्बर्स भी थे। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका कहना है कि अंडरग्राउंड सिटी टर्की में 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी और इसे क्रिश्चियन धर्म के लोगों के द्वारा बनाया गया था, जिसकी जानकारी खोजकर्ताओं को इसके अंदर मौजूद एक चर्च से हुई थी। ये दुनिया की पहली ऐसी केव है जहां से करीब 50 बड़े चैम्बर्स मिले हैं, जो वाकई अद्भुत है। नंबर 3, शिप्स बिनहीत सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है, पर आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस शहर के नीचे एक पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड दफन है, और वो भी शिप्स का। और आज के समय आर्कियोलॉजिस्ट उन दफन शिप्स को बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो शिप्स आज डेवलप्ड सिटीज के नीचे है। सैन फ्रांसिस्को मैरिटाइम नेशनल हिस्टोरिकल पार्क की माने तो उनका कहना है कि इसके नीचे ना जाने कितने दर्जन शिप्स दफन है। दरअसल इन शिप्स के दफन होने की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भारी मात्रा में सोने की लूट हुई थी, जिसे जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था और शिप्स को पानी में ही छोड़ दिया गया था। हालांकि जब वो शिप्स तैरकर पानी के किनारे तक पहुंचे तो वो रेत में दफन हो गए और वहां पूरी की पूरी सैन फ्रांसिस्को जैसी सिटी बन गई, जिस कारण से वो शिप्स आज भी वहीं दफन है। नंबर 2, टूम्ब स्केलेटन्स। बैरनेस ट्रोग्लोडाइटिका नाम की यह जगह एक समय पर इजिप्ट में रेड सी के कोस्ट पर बसी हुई पोर्ट सिटी थी, और ये बात आज से करीब 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह से एक ऐसा कब्रिस्तान खोजा है जिसमें 7 अलग अलग लोगों को पत्थर को बॉक्सेस में रखकर दफनाया गया था। पर इसमें सबसे ज्यादा हैरानी भरी बात थी कि इन सभी स्केलेटन्स के पैर इनकी चेस्ट बोन यानी कि रिब्स के ऊपर रखे हुए थे, जैसे इन्हें किसी तरह की कोई सजा दी गई हो। इसके साथ ही ये दुनिया में अब तक खोजे गए इकलौते ऐसे ग्रेवयार्ड हैं जिनके स्केलेटन्स को इस तरह पाया गया हो। इसके बारे में डॉक्टर मैरियस वैत्सिया का कहना है कि इन स्केलेटन्स को रस्सी से बांध कर रखा गया था ताकि इनकी पोजीशन नॉर्मल ना हो सके, पर इन टूम से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कीमती आर्टिफैक्ट्स भी मिले जो इस बात का सबूत थे कि ये बरियल्स किसी एलीट फैमिली से बिलोंग करते थे। नंबर 1, द पिरामिड टेनरिफ। दोस्तों, टेनरिफ एक कैनरी आइलैंड है जो हॉलिडे मनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इस जगह को हर साल हजारों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसे पिरामिड्स मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा रहस्यमय हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक इन पिरामिड्स के बारे में किसी को कोई जानकारी है ही कि नहीं, ये किसने बनाया, कब बनाया और आखिर इनको बनाने का पर्पस क्या था। आज इन पिरामिड्स को पिरामिड्स ऑफ ग्यूमार के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 1990 के दशक में एक नॉर्वेजियन एडवेंचरर थॉर हायड्रल के द्वारा खोजा गया था, पर असल में ये पिरामिड स्टेप पिरामिड्स हैं, जो वाकई में बहुत गजब हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।